जय माता दी। और यह गीता माता मंदिर देख सकते हैं आप, नन्हे नन्हे से श्रद्धालु जो कि एंजॉय करते हुए अपनी यात्रा को। तो दोस्तों ये है अर्धकुमारी से पहले नीचे थोड़ा, ये है इंद्रप्रस्थ। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक भवन के लिए बाया हिमकोटी होकर जाता है। ये देखिए माता का भवन, यहाँ से इतना सुंदर दिख रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल फ्रॉम ब्लॉग। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं आज आया हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और फाइनली यहाँ का माता रानी का दरबार से मेरे को बुलावा आ ही गया है। और ये बुलावा आने में 23 साल लग गए हैं, मैं 23 साल बाद दोबारा यहाँ पर आ रहा हूँ। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं पवित्र पावन त्रिकुट पर्वत के दर्शन, जहाँ ऊपर माता विराजमान है, ये देख सकते हैं। और ये कटरा रेलवे स्टेशन है। तो मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहे, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा माता रानी के दरबार में कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें और क्या क्या है, मैं सब कुछ पूरी जानकारी दूंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं माता का दरबार, श्री माता रानी त्रिकुट पर्वत पर बैठी हुई है, जहाँ की हम यात्रा करेंगे। तो इस यात्रा में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये स्टेशन से दोस्तों बाहर निकलने के लिए ये फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, और यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी ट्रेन आई थी, तो वहाँ से ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब ही है। और ये दोनों साइड, और ये पवित्र पावन त्रिकुट पर्वत, और ये फुट ओवर ब्रिज के दोनों साइड में ये देख सकते हैं रेलिंग लगी हुई है। दोस्तों जैसे ब्रिज खत्म हुआ, यहाँ पर पहले कोविड की जांच हुआ करती थी, यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और कोविड के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। और ये देखिए हेलीकॉप्टर सेवा, ये कटरा रेलवे स्टेशन का ऊपर से व्यू। फॉर्म नंबर 1 पे जाने के लिए स्केलेटर, अगर आप यहाँ से वापस जा रहे हो तो प्लेटफॉर्म नंबर में आप यहाँ से एक पर यहाँ से जा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक शेयर जरूर करना। और दोस्तों कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन वीडियो अगर देख रहे हो तो जय माता दी जरूर लिखना। यहाँ पर आपको अपना टिकट चेक कराना पड़ेगा, ये देख सकते हैं अभी टिकट चेक होगा। अगर आप यहाँ से यात्रा आज ही शुरू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से रेलवे स्टेशन से ही आप यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं, RFID कार्ड, जिसमें आपका आधार कार्ड लगेगा और पिन कोड लगेगा। और अगर आपका एक का आधार कार्ड है तो फैमिली में एक दो मेंबर हैं तो आप उनका अपने आधार कार्ड के पे उनका भी RFID कार्ड बन जाएगा। और ज़्यादा समय नहीं लगता, 2 मिनट में आपका RFID कार्ड बन के तैयार हो जाएगा, और उसके बाद आप उसको यात्रा कर सकते हैं। और RFID कार्ड की जो वैलिडिटी रहती है वो 6 घंटे की रहती है। तो अगर आपको यात्रा शुरू अभी करना है तो आप अभी यात्रा का RFID कार्ड बनवाएं। और अगर आप सुबह या जब भी आप यात्रा शुरू कर रहे हैं तो उसके 6 घंटे पहले आप RFID कार्ड बनवा सकते हैं। कई समय ऐसा होता है कि देख लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, जैसे कि आज मुझसे पूछ लिया गया कि आपको यात्रा शुरू कब करनी है, तो आप मेरा अभी मना कर दिया कि आपका RFID कार्ड आज नहीं बनेगा, मैं कल अपनी यात्रा शुरू करूँगा चढ़ाई, तो मेरा RFID कल बनेगा। तो आप देख लें आपके साथ, जैसे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे रेलवे स्टेशन पर आएंगे तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर ही RFID कार्ड काउंटर देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ बन जाएगा। और यहाँ बिल्कुल आसानी से बन जाता है, ना भीड़ भी नहीं रहती ज़्यादा। तो आगे की मैं आपको इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं माता का भवन, श्री भगवती माँ ऊपर विराजमान है, और ये पवित्र त्रिकुट पर्वत, और ये बिल्कुल उसके सामने हैगा श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन।
दोस्तों स्टेशन के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे IRCTC का रेस्टोरेंट भी है और वहाँ पर रूम और डॉर्मेट्री भी आपको मिल जाएगी। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दोस्तों ये कटरा स्टेशन का टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आपको अगर कटरा रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जाना है तो ऑटो का किराया 110 रुपये है, और यहाँ से अगर आपको बाणगंगा पॉइंट जाना है तो उसका 210 रुपये है, और टैक्सी का 260 रुपये फिक्स रहेगा। यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं हो पाएगा, ये फिक्स प्राइस है जो आपको देना ही पड़ेगा इतना। अगर जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ पर सिम आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ आप आएंगे तो आपका प्रीपेड सिम, कोई सा भी प्रीपेड सिम वो यहाँ पर नहीं चलेगा, केवल यहाँ पर पोस्टपेड सिम चलता है। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो आपको यहाँ से सिम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका प्रीपेड सिम है तो वो आपका पठानकोट के पास से बंद हो जाएगा कठुआ से, उसके बाद आपका नेटवर्क यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर आके सिम ले सकते हैं। 350 रुपये का एक प्लान है जिसमें आपको 1 GB डाटा मिलेगा, 20 डेज की वैलिडिटी रहेगी। दूसरा 450 रुपये का है और 400 रुपये का जिसमें 1.5 GB मिलेगा, और ये 28 दिन की वैलिडिटी के साथ है। आप कोई भी सिम ले सकते हैं यहाँ पर, आइडिया, जियो, एयरटेल जो, और केवल यहाँ पर ही चलेगा जम्मू कश्मीर में। अगर यहाँ से आप जाने के बाद आप अपने जिस भी शहर से आए, जैसे मैं MP से आया, तो वहाँ पर वो सिम नहीं चलेगा। जैसे अपना सिम यहाँ के बंद हो जाता है, वैसे ही यहाँ का सिम वहाँ जाके बंद हो जाएगा। तो आप ये सोच समझ के लें कि आपको 2 दिन के लिए ज़रूरत है कि नहीं है। अगर ज़रूरत है तो आप यहाँ ले सकते हैं, बाकी और आप यहाँ पर आके बात कर सकते हैं। ये पीछे भैया की दुकान है। दोस्तों मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप रेलवे स्टेशन से बिल्कुल भी सिम ना लें। आप थोड़ा सा सब्र रखें और मेन मार्केट बस स्टैंड में जाके आप सिम लेंगे तो वहाँ आपको बहुत सस्ती सिम मिल जाएगी। यहाँ आपको 400 रुपये मिल रही है, वहाँ आपको 250 रुपये में, 200 रुपये में सिम मिल जाएगी। और अगर आप एक दिन का प्लान भी लेना चाहते हैं तो आपको एक दिन का प्लान भी 150 रुपये में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ना लेके सिम मेन मार्केट से या बस स्टैंड के आसपास से लेंगे तो आपको बहुत सस्ती पड़ने वाली है। बस 2 नंबर बस स्टैंड पे आप यात्रा पर्ची काउंटर पर, यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं रहती है, बहुत आसानी से बन जाती है, जैसे कि मेरा बन गया है। तो ये देख सकते हैं, ये अब यात्रा पर्ची काउंटर, लाइन में लगे। दोस्तों ये RFID कार्ड बनवाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, तो आप इसको पोस्ट करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा RFID कार्ड मुझे मिल गया, मुश्किल से 5 मिनट लगा उसमें, और ये कुछ इस तरह सा है RFID कार्ड। और इसमें अभी तो मेरे से ना आधार कार्ड पूछा ना देखा, केवल पिन कोड और भोपाल जहाँ से आप आए हैं वहाँ की जगह का नाम पूछा, और ये 5 मिनट में बन के मेरे को मिल गया है। तो इसके लिए आप ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजिली मिल रहा है। और बस इसमें एक चीज़ ज़रूरत है कि आप इसको यात्रा से 6 घंटे पहले बनवा। दोस्तों ऑटो वाले ने हमारे होटल से यहाँ प्रवेश द्वार तक छोड़ने का हमसे 150 रुपये लिए, और हमारी यात्रा हाँ ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं। और देख सकते हैं लाइन कितनी है दोस्तों, हम सुबह आए हैं अब तो लाइन बाहर तक है। दोस्तों ये सामने फ्रिस्किंग पॉइंट, प्रवेश द्वार माता रानी का, यहाँ पर आपकी चेकिंग होगी और फिर उसके बाद आपकी यात्रा शुरू होगी। देख सकते हैं आज काफी भीड़ है। ये यहीं से ऊपर माता का दरबार, राजकुमारी मंदिर, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल फुटेज मेरा ब्लॉग। और यहाँ पर पीछे देख सकते हैं फ्रेस्टिंग पॉइंट, यहाँ से माता की यात्रा शुरू होती है, यहाँ से हम चढ़ाई शुरू करेंगे। और ये है, यहाँ आपके बैग वैग चेक होगा पूरा, और यहाँ से आपकी यात्रा शुरू मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या, लाइन काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ काफ़ी है अभी सुबह। हमारी चेकिंग में अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप अपना बैग वगैरह अपने फैमिली में लेडीज़ को दे दें, वहाँ से बिल्कुल समय नहीं लगता है और आप अलग से आ जाएं, क्योंकि जेंट्स और लेडीज़ के दोनों की लाइन अलग अलग होती है। और फाइनली ये हमारा फिक्सिंग पॉइंट क्रॉस हो गया है और
यहाँ से फाइनली माता की यात्रा शुरू होती है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो ये यहाँ से आगे आपको कोनी पालकी वगैरह मिल जाएगा, तो मैं आगे आपको रेट वगैरह भी बताऊँगा क्या कैसा है। तो जय माता दी, मेरे साथ बने रहे और जयकारा शेरवालिका बोल साचे दरबार की जय। ये अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे साथ यात्रा का वर्चुअल यात्रा का आनंद उठाएं। और तो मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, मैंने अपनी यात्रा 9:30 बजे शुरू करी है, सिस्टीन पॉइंट क्रॉस किया है 9:30 बजे और बिल्कुल आराम से ये यात्रा करने वाले हैं, बिल्कुल आराम आराम से। कितना प्रेम का? प्रेम का 52 तक। हाँ, 540 रुपए। और अर्धकुमारी तक का 340। आना जाना है कि एक साइड का है? वन साइड का। सही है, आप देख सकते हैं 540 रुपए भवन तक का है। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे भैया लोग वगैरह सब की चढ़ाई के लिए लट्ठी वगैरह ले सकते हैं। कितना चार्ज है भैया इसका? 20 रुपये। और वापस करोगे 10 रुपये में रिटर्न हो जाता है। ये ठीक है दोस्तों, ये है गुलशन कुमार जी द्वारा संचालित लंगर, जो कि बहुत पुराना है, काफ़ी सालों से चल रहा है और यहाँ आने वाले भक्तों को लंगर कराया जाता है। और यहीं बिल्कुल सामने गुलशन कुमार TCS कंपनी का शोरूम है, यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट वगैरह और सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जय माता दी कमेंट में लिखें। दोस्तों, ये धरी है न्यू ताराकोट मार्ग, जो कि अभी नया बना है। ये रास्ता काफ़ी आसान है, बिल्कुल फ्लैट है, इसमें चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ पर ये मार्ग 2 किलोमीटर लंबा है। और इस मार्ग की खासियत ये भी कि यहाँ पर आपको घोड़े, खच्चर, पोनी वगैरह कोई भी नहीं मिलेगा, रास्ता बिल्कुल क्लियर मिलता है, रास्ता भी बहुत साफ सुथरा है। लेकिन आप भी श्रद्धालु ये वाला रास्ता ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो पुराने वाले रास्ते से ही जाना पसंद करते हैं। और इस पुराने वाले रास्ते पे ये कि सारी दुकानें वगैरह रहती हैं तो आपका रास्ता पता नहीं चलता है और ये रास्ता काफ़ी लंबा लगता है। दोस्तों, आप यहाँ से घोड़े भी कर सकते हैं, घोड़े का यहाँ भानगंगा से भवन तक का किराया जो लगता है वो 1250 रुपये हैगा, और अगर अर्धकुंवारी तक का करते हैं तो 650 रुपये हैगा। और अगर आप बुज़ुर्गों के लिए पालकी का किराया जो 3750 रुपये लगता है भवन तक का, तो आपको जो भी सुविधाजनक लगे आप वो कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप बाणगंगा बाथिंग घाट, जो कि बाणगंगा बाथिंग घाट यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ब्रिज वगैरह बन रहा है, तो अभी यहाँ पर हमको जाने को दिया नहीं गया था। ये मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बाणगंगा बाथिंग घाट। ऐसी आपके स्टूडियो जगह जगह मिल जाएंगे जहाँ आप अपने फोटो क्लिक करा सकते हैं। आप अभी फोटो क्लिक करा लें और वापसी में आपको यहाँ पे आपके फोटो वापस बने हुए मिल जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये पुराना गेट है, जैसा फिस्किंग पॉइंट है अभी वहाँ पर नया बना है। ये पहले यहाँ से आपको चेकिंग वगैरह होती थी। यहाँ पर आपको मेडिकल की शॉप मिल जाएंगे, जनरल मेडिकल मेडिसिन के लिए जो आप को ज़रूरत की है, यात्रा में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। क्या चार्जेस वगैरह क्या भैया इसका? साइज के हिसाब से थोड़ा सा आइडिया देंगे आप कौन सा क्या? ये 250 का है जी, ये 200 का है जी, 150 का है जी। देख सकते हैं जो वीडियो के थ्रू आएगा तो उनको भैया डिस्काउंट भी देने वाले हैं। लक्ष्मी स्टूडियो है, अपन जैसे ही यात्रा शुरू करते हैं
तो उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में पड़ने वाली दुकान है और यहाँ पर आपको पूरा ये देख सकते हैं कश्मीरी ड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप अगर यहाँ यात्रा के लिए आ रहे हैं तो यहाँ जरूर आए और अपना फोटो क्लिक कराएं यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं दोनों साइड रो हैं, एक साइड आपको घोड़ा खच्चर होने के लिए है और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं के जाने के लिए है। तो आप देख लें जिस तरफ से आ रहे हैं तो आप दूसरे साइड से जाएं और यहाँ पर आपको माता जी के भजन पूरे टाइम रास्ते पर चलते हुए सुनाई देंगे, जिससे आपके मन में पूर्व भाव भक्तिमय पैदा होते रहें, इससे आपकी यात्रा करने में आपको मदद मिले, आपको थकान का बिल्कुल भी थकान बिल्कुल महसूस ना हो। बादिंग घाट से थोड़ा सा आगे बादिंग घाट नंबर 2 आपको मिल जाएगा, यहाँ से नीचे जाके यहाँ पर भी स्नान वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पर आप गन्ने का जूस वगैरह भी मिल जाएगा आपको। पुराने मार्ग पर ये फैसिलिटी अच्छी है, यहाँ पर सारी चीज़ों की दुकानें शॉप्स आपको मिल जाएंगी। आपको अगर भूख भी लग रही तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके पॉकेट में बस पैसे होना चाहिए और आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। ये देख सकते हैं ये है शमशान जो कि अब अस्तित्व में नहीं है, यहाँ पर अब पहले दाह संस्कार किए जाते थे लेकिन अब नहीं है, पूर्ण रूप से ये बंद कर दिए गए हैं। ये है गीता मंदिर बाथिंग घाट, बाणगंगा बादिंग घाट नीचे है लेकिन वहाँ ब्रिज बन रहा है जिस वजह से वहाँ पे जाने नहीं के लिए अभी मनाही है, वहाँ जाने नहीं दी गया। तो आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ बाथ ले सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, अगर स्नान नहीं भी करना चाहें तो आप पवित्र जल के छीड़े ले सकते हैं। और बाणगंगा के बारे में कहा जाता है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो उन्होंने माता वैष्णो देवी से आग्रह किया था कि मुझे गंगा जल पीना है, तो माता वैष्णो ने तीर चढ़ा के वहाँ पे जलधारा गंगा जलधारा निकाल दी थी, जिस वजह से इसको बाणगंगा भी कहा जाता है। और वहाँ माता रानी ने अपने कैश भी धोए थे जिस वजह से उसको बाल गंगा भी कहा जाता है। और ये गीता मंदिर बाथिंग घाट, आप पानी देख सकते हैं कितना साफ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर ये ऊपर से। लेडीज का भी स्नान गृह बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं ये नीचे, ये है गीता मंदिर बाथिंग घाट। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर जरूर करें, स्नान नहीं कर सकते तो। मैंने तो छींटे कर ली क्योंकि मैं होटल से नहाकर चला था। तो चलिए अपनी आगे यात्रा को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए जगह जगह पर ही आपको ऐसा नींबू पानी और रिफ्रेशिंग की पानी पाउडर वगैरह मिलते रहे, तो आप पानी और ये खूब पिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें जिससे आपको चढ़ने में परेशानी नहीं होगी, थकान कम होगी। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतना आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप जगह जगह पर नींबू पानी गन्ने का जूस वगैरह या कुछ खाते पीते रहें। ये मैगी इंजॉय हो रही है, ये है का सतीश वैष्णो ढाबा जहाँ पर हमने मैगी लिया था। ये है भैया, भैया मैगी का क्या रेट है, शर्मा रहे मैगी के क्या रेट है भैया, 45 और वेजिटेबल वाला 50। भैया अपने शॉप का क्या नाम है, कितने साल पुराना है भैया ढाबा, अभी तो हम न्यू है 2 साल। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। तो
दोस्तों अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर अगर कुछ खाना चाहें तो यहाँ पे भैया की शॉप पर आ सकते हैं, श्री वैष्णो ढाबा। और ये आपको गीता माता मंदिर थोड़े से ऊपर चढ़ेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ मिल जाएगा, भैया मिलने वाले हैं। तो और काफ़ी सस्ता आइटम है यहाँ पर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर घोड़े खच्चर और पालकी वाले से थोड़ा सा बच के चलें, क्योंकि इससे आपको चोट लग सकती है, क्योंकि ये सीधे चलते हैं बिल्कुल, तो इससे आपको चोट लग सकने का खतरा रहता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से। और ये गीता माता मंदिर, माँ भगवती दर्शन गीता भवन, ये देख सकते हैं यहाँ पे भगवान भोलेनाथ और पार्वती और सरस्वती जी विराजमान है, हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है। ये है माँ भगवती दर्शन गीता भवन बाड़ा गंगा में। प्रवेश द्वार से गीता माता मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो ये माता वैष्णो देवी गुरुकुल है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित है। ये यहाँ पर संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों हम चरण पादुका मंदिर पहुंच गए हैं, और चरण पादुका मंदिर की दूरी जो है प्रवेश द्वार फ्रेस्किंग पॉइंट से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, और यह है चरण पादुका मंदिर, ये देख सकते हैं आप, पूरा सजा हुआ है चरण पादुका मंदिर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं प्रथम दर्शन चरण पादुका, और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, और यहाँ के लिए ऐसी मान्यता है कि जब माता वैष्णो देवी जा रही थी और उनके पीछे भैरव लगे हुए थे, तो माता रानी ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरव पीछे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और जिस वजह से माता रानी के पद चिन्ह यहाँ पर रह गए थे, जो युगों युगों से आज भी स्थापित है। और कहा जाता है कि जब यहाँ शुरुआत माता रानी की यात्रा की, प्रथम पादुका दर्शन से ही की जाती है। और यहाँ पर ये समस्त देवी देवता विराजमान है। दोस्तों आप देख सकते हैं चरण पादुका से कटरा शहर का दृश्य, और दोस्तों अगर वेदर की बात करूं तो नॉर्मल वेदर है, 9-10 होगा अभी, और चढ़ाई शुरू की तो हमको अभी से पसीना स्वेटिंग शुरू हो गई है, जबकि हम अभी गीता भवन तक ही आए हैं। तो जैसा कि मुझे पता चला था कि यहाँ बहुत ठंड वगैरह है, वैसा अभी तो कुछ भी फिलहाल नहीं है, पर तो ऊपर जाके देखते हैं वेदर चेंज होता है क्या, तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो बिल्कुल गर्मी है, पूरा पसीना निकल रहा है। और कल दिन में भी गर्मी थी, नॉर्मल टेम्परेचर था, रात में जो थोड़ा सा ठंडक हो गया था, लेकिन वो भी 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं रहा टेम्परेचर, 60 डिग्री से कम नहीं हुआ था, तो इतना ज़्यादा मौसम खराब नहीं है। अगर जो आने की यहाँ सोच रहे हैं माता रानी के दरबार में, तो बिल्कुल आ सकते हैं, और फिर भी आने से पहले एक बार कटरा का वेदर रिपोर्ट देख लें और उसके बाद आए। यहाँ पर आपको हर 2-3 किलोमीटर में एक मेडिकल यूनिट मिल जाएगी, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल यहाँ की सेवाएं ले सकते हैं, पूरी तरह से निःशुल्क और 24 घंटा ये यूनिट रहती है। तो आप और यहाँ पर हर जगह पर आपको जगह जगह पर हर थोड़े थोड़े दूर पर टॉयलेट वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा, और श्राइन बोर्ड की तरफ से पानी के टैप की व्यवस्था की है, जगह जगह आपको फिल्टर पानी मिल जाएगा। तेरा
ये देखिए नन्ना सा श्रद्धालु। जय माता दी, जय माता दी। ये भी माता की चढ़ाई के लिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नन्हे नन्हे श्रद्धालु भी यहाँ पर अपने माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों रास्ते में भी आपको ऐसे छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे, आपको भगवान के दर्शन मिलते रहेंगे। और ये देखिए श्रद्धालु लोग सब अपनी चढ़ाई यात्रा, दोस्तों सीढ़ियों के शॉर्टकट भी दिए हुए हैं, जैसे आप अपने शॉर्टकट से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उस पर दी हुई चेतावनियों को भी ध्यान से पढ़ें और फिर सीढ़ियाँ यूज करें। ये सीढ़ियाँ भी आपको जगह जगह से शॉर्टकट मिलेगा, पर मैं सीढ़ियों को आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सीढ़ियाँ लें, क्योंकि आप अगर सीढ़ियाँ लेते हैं तो आप बहुत जल्दी ज़्यादा थक जाएंगे, और जो हार्ट पेशेंट है और बुजुर्ग है वो तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि बहुत रिस्की है, क्योंकि यहाँ थकान आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप जितना हो सके रैंप के थ्रू ही चलें, ये सबसे ईजी, और यहाँ पर आपको थकान बहुत कम होने वाली है, बिल्कुल आराम से चलेंगे तो बिल्कुल थकान नहीं होने वाली है, तो आप सीढ़ियों को अवॉइड करें। कि देखिए यहाँ पर ये भैया जी यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, घोड़े वगैरह जो गंदगी कर देते हैं, यहाँ पे पूरे रास्ते पर सफाई चलती रहती है, जिससे आपको श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो बिल्कुल, और श्रद्धालु अपनी चढ़ाई को बहुत आराम से पूरी कर सकें। बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, पूरा फॉग हो रहा है। दोस्तों अपने वो बीकानेर वाला का भी एक आउटलेट मिल जाएगा, स्वीट एंड चाट वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा आपको, बहुत ही अच्छा इन्होंने सुंदर बनाया हुआ है इसको, पूरे कांच ही कांच का बीकानेर वाला स्वीट एंड चाट, और यहाँ पर आपको फास्ट फूड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको अंदर से भी इसका व्यू बता देता हूँ कि अंदर से कैसा है। तो ये देखिए अंदर से आने के बाद ये कुछ ऐसा यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, सामने इनका पूरा सर्विंग जगह है। जय माता दी दोस्तों, और हम अपनी चढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आपको जगह जगह फूड काउंटर मिल जाएंगे, ये ले लो। यहाँ पर आपको दोस्तों ऐसे बहुत सारे बंदर के झुंड वगैरह मिल जाएंगे, तो थोड़ा इनसे सावधानी बरतें और इनसे दूर रह के चलें, और खाने पीने की जो आपकी चीज़ें हैं वो अपने हाथ में ना रखें। और यहाँ पर जगह जगह चेतावनी भी लिखी हुई है कि आप बंदरों को कुछ भी खाने पीने के लिए ना दें, तो आप पूरी कोशिश करें कि इनसे बच के रहें, अन्यथा आपको चोट लग सकती है, ये आपको काट सकते हैं, तो इनसे दूरी बनाए रखें और खाने पीने की चीज़ों को संभाल कर छुपा कर रखें और अपनी यात्रा को पूर्ण करें। और यहाँ पर आपको ऐसे स्टेयर वगैरह बैठने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ बैठ के आप रेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा देर रुक के फिर अपनी यात्रा को पुनः शुरू कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, हम यहाँ से आप तुम्हारे थोड़ा सा ही रह गया है, तो ऐसे जगह जगह पे आपको ढोल वाले मिल जाएंगे जो आपका मनोरंजन करेंगे, आप यहाँ पर अपनी थकान निकाल सकते हैं डांस करके थोड़ा सा। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें, बिल्कुल जय माता दी, जय माता दी। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी समय हो गया है 11:30 और अर्ध कुमारी हमारे यहाँ से 2-1 किलोमीटर और रह गया, 2 किलोमीटर। तो ये बाहर का कुछ
मौसम ऐसा हो रहा है तो धीरे धीरे खराब हो रहा है, ठंड बढ़ रही है दोस्तों। ऐसे डस्टबिन आपको जगह जगह मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ इनका यूज़ करें। अगर आपके पास कोई भी कचरा है कुछ भी होता तो कृपया करके इसी में ही डालें और सफाई का ध्यान दें, क्योंकि श्राइन बोर्ड अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है माता के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कि सारी व्यवस्थाएँ सभी तरह से चाक चौबंद की जाए। लेकिन ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन सुविधाओं का दुरुपयोग ना करें और अपनी तरफ से जो हो सकता है हम वो करें। तो जो हम कर सकते हैं वो अपनी तरफ से करें, बाकी सुविधाएं तो श्राइन बोर्ड दे ही रहा है। देख सकते हैं आप नन्हे नन्हे से श्रद्धालु जो कि एंजॉय करते हुए अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। बड़ों से ज्यादा बच्चे एंजॉय करते हैं क्योंकि ये देखिए सारे बच्चे एंजॉय करते हुए ये चढ़ाई बच्चे अपनी चुटकियों में कर लेते हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। ये आप मौसम देख सकते हैं, ये धुंध सी हो रही है और नीचे पूरा फॉग हो रहा है। ये नया रास्ता शिव मंदिर का और ठंडी ठंडी हवा चल रही है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से कटरा शहर का सुंदर दृश्य कितना प्यारा लग रहा है, पूरा कटरा शहर। और दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं वाटर टैप लगा हुआ है, यहाँ पर आपको तीनों तरफ का ठंडा नॉर्मल और हॉट वाटर तीनों तरह का मिल जाएगा। और ये मिनरल वाटर है और श्राइन बोर्ड की तरफ से इसकी व्यवस्था की गई है। तो अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो इस चीज़ का यूज़ करें। आपको हर जगह टॉयलेट की व्यवस्था मिल जाएगी यहाँ पर, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यात्रा पर आएं और जय माता दी बोलते जाएं और चलते जाएं, आपको थकान का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। जय माता दी दोस्तों। यहाँ पर आपको श्राइन बोर्ड का एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा, यहाँ पर वो चाय कॉफी वगैरह मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है अर्धकुमारी से पहले नीचे थोड़ा सा इंद्रप्रस्थ भोजनालय, ये भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित है। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें खाने पीने की मिल जाएगी, ऊपर टेरिस है, आप चाहे तो वहाँ पर भी जाके अपना लुफ्त उठा सकते हैं अपने फूड का। और ये है इंद्रप्रस्थ, यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक भवन के लिए बाहर हिमकोटी होकर जाता है और दूसरा भवन के लिए हाथीमत्था मार्ग से। और हाथीमत्था मार्ग के लिए जो दूरी है 6.5 किलोमीटर है और हिमकोटी मार्ग से 5.5 किलोमीटर है। और हाथीमत्था मार्ग की चढ़ाई पुराना मार्ग है, तो बहुत कठिन रास्ता है। अगर आप भवन के लिए आसान रास्ता चूज करते हैं तो आप हिमकोटी मार्ग से जाएं, ये 5.5 किलोमीटर भी और फ्लैट रास्ता है। हाथीमत्था मार्ग बहुत खड़ी चढ़ाई है और यहाँ से ही आपको बैटरी कार वगैरह हिमकोटी मार्ग से ही मिलेगी। तो ये तिराहा एक रास्ता अर्धकुमारी के लिए जाता है और भवन अगर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो हिमकोटी मार्ग से जा सकते हैं। दोस्तों अब हमारे के लिए ये ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माता वैष्णो देवी गर्भजून कुआ में 9 माह तक रही थी, जिस कारण इसको गर्भजून कहा जाता है। और यहाँ पर आपको रुकने के लिए डोरमेट्री वगैरह और यहाँ रूम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो ये आप ऑनलाइन बुक कर आएँ और अपनी यात्रा, ये यहाँ से भवन के लिए रास्ता है
तो आप यहाँ से भवन के लिए जा सकते हैं। कुमारी का हिमकोटी मार्ग जहाँ बैटरी कार, यहाँ का चेक पॉइंट, यहाँ पर चेकिंग कुछ भी नहीं होती है, बस यहाँ से निकलना पड़ता है। ये ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से क्यू लगेगा ये, और ये इस तरफ ऑफलाइन वाले हैं। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया तो आप ऐसा ना सोचे कि आपको यहाँ पर आके क्यू में नहीं लगना, आपको यहाँ पे क्यू में लग के आपका गाड़ी नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको गाड़ी मिलेगी कि आपको किस गाड़ी में जाना है। तो आप आते हैं तो अगर आप सबसे पहले यहाँ पर लगें। तो दोस्तों, मैंने अर्धकुमारी से भवन तक की यात्रा बैटरी कार से की थी। बैटरी कार का किराया अर्धकुमारी से भवन तक का 354 रुपये विद GST रहता है और वापसी का 230 रुपये विद GST रहता है। दोस्तों, अगर आप भी बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग आप श्री माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से करवा सकते हैं। ऑफलाइन आपको टिकट मिलना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि पहले ऑनलाइन टिकट वालों को ही भेजा जाता है और जो ऑनलाइन टिकट वाले नहीं आते हैं वो बचे हुए टिकट को ऑफलाइन में दिया जाता है। तो इसकी बुकिंग 60 दिन पहले ओपन हो जाती है, तो आप पूरी कोशिश करें कि ऑनलाइन टिकट बुक करके ही आए। दोस्तों, इसमें 5 साल से कम बच्चों का टिकट फ्री रहता है और ये सुबह 8 बजे से लेकर तो रात के 10 बजे तक बैटरी कार संचालित होती हैं। दोस्तों, ये बैटरी कार स्टैंड भवन का, और यहाँ से आपको पैदल यात्रा करना पड़ेगी। और ये आप देख सकते हैं मेरे साइड में आ रहा है पार्वती भवन। अगर यहाँ पर आपको रूम या डोर मैटर चाहिए तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग करें। दोस्तों, यहाँ से आप आगे चलेंगे, थोड़ा आगे चलने पर आपको यहाँ पर मिलेगा भेंट शॉप। ये श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित दुकान है, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैंगे। 50 रुपये 100 रुपये में आपको यहाँ पे प्रसाद मिल जाएगा, और ये लॉकर नंबर 1। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लॉकर नंबर 1 में ही सामान अपना रखें, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत कम रहती है। आगे आपको लॉकर नंबर 2 और 3 भी मिल जाएंगे, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये मनोकामना भवन, यहाँ पर आपको डोरमेट्री और भोजनालय दोनों मिल जाएगा। ये आप यह सकते हैं मनोकामना भवन, श्राइन बोर्ड का ये मनोकामना भवन है, और यहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई है। आपको यहाँ पर इकोनॉमिकल सब सस्ता मिल जाएगा। ये मनोकामना भवन फेज 2। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। और दोस्तों, मैं अपना सारा सामान लॉकर में रखने जा रहा हूँ, क्योंकि भवन में आपको जैसे कि पता है कि वहाँ पर कुछ भी ले आ नहीं सकते माता के दरबार में। अपना सारा सामान लॉकर में रखूँगा और फिर माता के दर्शन करने जाऊँगा। तो अपना सारा कीमती सामान, मोबाइल, वॉलेट वगैरह, चमड़े की बेल्ट वगैरह, पर्स, मोबाइल, सब कुछ आपको लॉकर में रख कर ही जाना पड़ेगा। अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाएं, अन्यथा आपको वापस भेज दिया जाएगा दोबारा लाइन में लगने के लिए, और लॉकर में सामान रख कर दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा आपको। ये रोपवे के लिए आपको टिकट यहाँ से मिलेगा, यात्री रोपवे टिकट है, ये आपको लाइन में लगना पड़ेगा, वहाँ से आप लाइन में रख कर आ सकते हैं। ये हैगा रोपवे टिकट, 100 रुपीज़ इसका चार्ज है दोनों साइड का आना जाना। दोस्तों, ये फ्री अकोमोडेशन है, यहाँ पर एक नीचे हॉल मिलेगा जिसमें आप रह सकते हैं, और यहाँ पर आपको 100 रुपये का कंबल रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये है सागर रत्ना रेस्टोरेंट, और काफ़ी फेमस है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं ऊपर जा रही है, भैरव घाटी के लिए रास्ता जाता है। यहाँ से आपको भैरव घाटी के लिए चढ़ाई करनी पड़ेगी, 2 किलोमीटर का रास्ता रहता है भैरव घाटी का। यहाँ पर आपको सभी तरह के रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे, अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो घोड़े से भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ लॉकर में रखने के लिए सामान के लिए पास, आपको लॉकर के लिए ताला लेना बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने अभी लिया है, 150 रुपये का एक ताला दिया है, जो कि 50 रुपये का मिलता है।
दोस्तों माता रानी के दर्शन करने के बाद मैं यहाँ रोपवे की लाइन में लगा हूँ। अब मैं यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाऊँगा और रोपवे से मैं टिकट लेने के लिए लाइन में लगा हूँ। और दोस्तों रोपवे से अब भैरव घाटी 10 मिनट में पहुँच जाएंगे और रोपवे का किराया 100 रुपये है आने जाने का। और ये इसकी सेवाएं सुबह 7 बजे से लेकर तो शाम के 5 बजे तक शुरू रहती हैं, तो कोशिश करें कि आप 5 बजे से पहले आए तो आपको रोपवे का टिकट मिल जाएगा। तो गाइस ये हम भैरव घाटी पे और भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं। माता रानी के भी दर्शन बहुत अच्छे हो गए, अभी देख सकते हैं पूरा मौसम कैसा हो रहा है, बारिश हो रही है काफ़ी, स्नोफॉल भी हुआ, ताज़ा स्नोफॉल ये आप पीछे देख सकते हैं भैरव घाटी के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपका माता के दरबार वैष्णो देवी में आने का प्लान हो रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेरे को तारीख लिख के बताएं और जय माता दी कमेंट करें। तो और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करें मेरे वीडियो को, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो माता के दरबार आना चाह रहे हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो के थ्रू मिल सके और वो अपना माता वैष्णो देवी के दरबार में आने का अपना प्लान कर सकें। और दोस्तों वैष्णो देवी यात्रा के संबंध में आप और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। रुकने की व्यवस्था वगैरह या जो भी आपके मन में डाउट कुछ आपके क्वेश्चन वगैरह प्रश्न आ रहे हैं तो मेरे से कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको माता के दरबार के बारे में सारी जानकारी लाता रहूँगा और वर्चुअल आपके माता रानी के दर्शन करवाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में।